हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कहते हैं आशियाना बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसी बरसों साल बाद बने आशियाने को अगर उजाड़ने के लिए आदेश पारित कर दिए जाए तो कोई क्या करेगा। ये कहानी है फरीदाबाद के खोरी गांव की, देखिए ये रिपोर्ट। खोरी गांव में हाहाकार, आशियानों पर तलवार, लोगों के दिल की पुकार, घर टूटने से रोको सरकार। ये फरीदाबाद का खोरी गांव है। यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर बना हुआ है, डर ऐसा कि जिसको सोचकर किसी की भी टेंशन बढ़ जाए। जी हाँ, सर के ऊपर से छत चले जाने का डर अपने आप में एक बड़ी परेशानी का सबब है। आजकल इस गांव के हजारों लोग इसी डर में जी रहे हैं। उधर जब हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कैमरे के सामने अपना दुख बयां किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 15 सालों से हम यहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक से ये फैसला आना हमारे पैरों से जमीन खिसक जाने जैसा है। खोरी को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊं। मैं छोटे छोटे बच्चे लोग, मैं ऑटो चलाता हूं, 200-400 रुपए कमाता हूं, किसी तरह गुजारा भत्ता के लिए मैं अपना यहां घर बनाया हूं, और ये मेरे छोटे बच्चे सब, ये छोटे बच्चे को इस कोरोना काल में कहां लेके जाएं। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं कि मुझे या तो यहीं शिफ्ट कर दे या कहीं अपना जैसे जो जहां भी उनका अपना फ्लैट है वहां शिफ्ट कर दे। सरकार ने हमारे लाइट पानी सब कुछ बंद करवा दिया, क्यों मारना चाहते हैं हमें? वोट किससे लेगा हमें मार के? वोट मांगने गाड़ी तो सरकार आ जाता है, गाड़ी भेज देता है यहाँ। वोट जब वोटों का आईडी बनाया गया बिना सरकार द्वारा, तो वोटों का आईडी बना नहीं तब सरकार कहाँ थे? अब मोदी को हमने ही बनाया, अब मोदी हमें ही बिगाड़ने चला। तो मोदी से सिर्फ इतना अपील करते हैं, जब वो गरीबों को देखना नहीं चाहते तो अमीर बना दे हम लोगों को, फ्लैट दे दे। जब वो कहते हैं जहाज उगी वही मकान, तो आप हमारे मकान को क्यों तोड़ रहे हो? उनसे ये इतना ही गुजारिश है, अगर हमें घर से बाहर करना ही चाहते हो तो भैया ले जाके बुलडोजर के आगे लेटा दे, हम अपना पति बच्चे लेके बुलडोजर के आगे मर जाना चाहते, या तो हमारे खोड़ी गांव में बम फेंक दे, सब एक साथ मर जाए। लेकिन ऐसे नहीं बाहर करें, इस कोरोना काल में वो कहते हैं तीसरी लहर आने वाले, हमारे पास भी छोटा बच्चा है, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सरकार से बस इतना गुजारिश है, सरकार हमें जैसा हम पहले थे ऐसे ही हमें रखे। हम तो कहते हैं आज के डेट पे जो माफिया है ना, जिन्होंने ये जमीन बेची। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खोरी गाँव में जंगल की जमीन में अनधिकृत रूप से घर बनाने वाले 10,000 परिवारों के घरों को गिराने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पर रोक लगाने से इनकार के बाद अब सैकड़ों परिवारों को बेघर होने का डर है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर आदेश है कि पहाड़ी एरिया में जो गांव बसा है उसको हटाया जाए, लेकिन यहां पर लोग 15 सालों से रह रहे हैं। ये गांव आज का नहीं बल्कि 15 सालों से बसा हुआ गांव है, और ऐसे में जब इन लोगों के घरों को उजाड़ने की बात आई है तो इन लोगों की नींद उड़ गई है, और ये सभी लोग सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि कुछ भी करके इनके घरों को बचा लिया जाए। खोरी गांव के लोगों के लिए मकान हटाने के फैसले ने स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अधिग्रहण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की 2003 की योजना के अनुसार पुनर्वास वाले लोग लाभ के हकदार होंगे। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को कोर्ट के 7 जून के आदेशों को 6 हफ्ते के अंदर जंगल की जमीन पर अनधिकृत घरों को गिराने के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है। इससे पहले 7 जून को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालत में जंगल की जमीन खाली होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में डर बना होना तो लाजमी है। इस वक्त हम खोरी गांव में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में काफी भय का माहौल है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोग अब पलायन करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामान जो लोग हैं घरों से बाहर निकाल रहे हैं। पूरा खोरी गांव जहां पर 10,000 मकान है, 10,000 परिवार है, अब वो यहां से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, काफी ज्यादा परेशान है, लगातार हरियाणा न्यूज से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके आशियानों को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं खोरी गांव की। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मैं 15 साल से रह रही हूँ।
मैं 15 साल से रह रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मैं कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा कर करके मैं ये घर बनाई हूँ। और मेरे यहाँ जेंट्स नहीं है, तो हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो मैं ही अपना झाड़ू पोछा बर्तन करके सबका भरण पोषण कर रही हूँ। और हमें यहाँ रह के हमें ईंट का घर बनाने के समय सबको ही पैसा लगे, एक एक ईंट का जोड़ने का पैसा ले गए, सब पैसा हमने एक्स्ट्रा दिया, फिर भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। और हमें यहाँ सरकार पानी आता है, पानी भी हम खरीदते हैं ज्यादा दाम में खरीदते हैं। बिजली का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, बिजली भी हमको बढ़ा चढ़ा के वो मांगते हैं तो दे देते हैं, क्या करेंगे किसी तरह का। हाँ, खाने होने के लिए हमारा कुछ नहीं बचता है, केवल हमारा रहना और सोने और किराए से बचने के लिए। तो अब इस समय हम 15 साल से रह रहे हैं, जाए तो कहाँ जाए, किराए में रहने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अभी तो खाने के लिए मोहताज हो गया, सामान सड़ रहा है। अब इस समय कहाँ करे, कोई इतने फैमिली है, कोई कमरा देने को राजी नहीं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों के लिए सही डिसीजन ले। हम सरकार से गुहार करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इस समय कहाँ जाए, कि समय समझौता करके हमारे लिए सही डिसीजन लिया जाए और हमें यहाँ से ना हटाया जाए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, आप भी यहीं पर रहती हैं? जी। कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 13 साल से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने गोद में ले रखे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, किस तरीके से लगा आपको, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से घेर रखा है आप लोगों को, आज से 2-3 दिन बाद तोड़फोड़ होगी, तो क्या अपील आप सरकार से करना चाहेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हम तो चाहते हैं कि यहाँ का खोरे का ना टूटे, टूट जा रहा है अभी, इधर उधर सब हो रहे हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं, यहीं पर सारे सामान बिखर दे। आज ही देखो, एक घर टूटने के वजह से अभी सारे टंकी को पानी गिरा दे, अभी पानी भी नहीं है हमारे हाथ धोने के लिए, ऐसे बिगर हाथ धोए ऐसे खाना पड़ रहा है, हाथ सिर्फ धो रहे, ब्रश करने के लिए पानी नहीं है, क्या करेंगे। अब मैं भी ऐसे अवस्था में हूँ, कहीं जाके दो बोल तो नहीं पाएंगे ना पानी से, नहीं अभी 2 बाल्टी पानी लाए किसी यहाँ से, उसी से हम बर्तन सर्तन धोए, बच्चे धोए, और खाने के लिए चावल भी नहीं है, इनके किराए देने के लिए नहीं है तो खाने के लिए क्या होगा। मेरे पति का भी काम नहीं था, आज काम ढूंढने गया, काम ढूंढेगा कि किराया घर ढूंढे। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ का खुरीगा और पूरा दुनिया बस जाए, सरकार से यही चाहती हूँ कि खुरीगा ना टूटे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये पूरा गांव है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वन क्षेत्र है ये, देखिए आप पीछे मेरे, ये पहाड़ है, इस पूरे गांव में काफी लंबे समय से ये लोग बसे हुए हैं। साफ तौर पर 10,000 से ज्यादा यहाँ पर ये मकान है, और साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 15 तारीख तक ये मकान टूट जाने थे, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी और ज्यादा समय इन लोगों को दिया है, पर लोगों में भय का माहौल है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उनके आशियानों को कैसे न कैसे बचाया जा सके। सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे और सरकार इनकी जो विनती है, जो इनकी पुकार है, उसको सुने। 7 जून को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को समझाने में लगा हुआ है और इलाका खाली कराने की अपील की जा रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा भी किया और पुलिस का विरोध भी किया। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके मकानों पर बुलडोजर चला तो उससे पहले बुलडोजर को स्थानीय लोगों के ऊपर से गुजरना होगा। खोरी गांव की हकीकत हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से दिखाई, जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया है उसके बाद से जो लोग हैं लगातार प्लान कर रहे हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जाए या फिर हमें यहीं हमारे ऊपर क्रेन चला दी जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि 20 साल से काफी जो पुराने जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे राशन कार्ड की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें, साफ तौर पर जो लोग हैं नेताओं को कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड है और वोट के नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट मांगने जरूर नेता आते हैं, पर वो नेता कहाँ है जब हमारे मकानों को उजाड़ा जा रहा है। साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा ग्राउंड जीरो पर है ये तमाम जो बड़े मकान है, इसी तरीके से पूरे काफी बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं पहाड़ों के बीच में। देखिए पहाड़ों के बीच में ये कहीं ना कहीं पूरे गाँव को बसाया गया था, यानी कि पहाड़ों का चीरहरण कर इस गांव को यहां पर बसाया गया था। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद से लोगों का प्लान जरूर है, पर कई ऐसे लोग हैं जो सरकार को चेतावनी जरूर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें यहां पर खड़ी होने वाली हैं साफ तौर पर, क्योंकि जो लोग हैं वो साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक अधिकारियों चाहे हमारे ऊपर क्रेन चलाए, बुलडोजर चलाए, हम लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी लोगों को यहां से हटाने का काम करते हैं।
हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 दिन का समय और दिया है। 2 दिन के बाद यहाँ पर कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। राजा पटेल, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए। राजा, आपने खुद जमीन पर जाकर खोरी गांव में जाकर स्थिति को देखा। तमाम लोगों को मैं सुन रही थी, यहां पर अधिकतर लोग गरीब हैं, अधिकतर लोग लेबर क्लास के हैं, तो उनके लिए एकदम से इस घरों को छोड़ना और किसी और घर में शिफ्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति है गांव में, क्या तस्वीर आपको देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नंदनी, मैं आपको बता दूं कि गांव में काफी ज्यादा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो लोग हैं काफी ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि साफ तौर पर लोग सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं 15-20 साल से वहां पर रह रहे हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, कहीं ना कहीं खंभे लगे हुए हैं, तार फेंसिंग की गई है, उसके बावजूद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं 10-20% जो कि पलायन करने को मजबूर हैं, पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट का डिसीजन है और हम आपको और ज्यादा मोहलत नहीं दे सकते, 2 से 3 दिन का मोहलत और देंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले की बात है, साफ तौर पर कई जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी सुसाइड किया था, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग यहां पर रह रहे हैं। और ऐसे में जब डिसीजन कहीं ना कहीं कोर्ट का आया, लोग भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान रहते हुए नजर आ गए। लोगों ने साफ तौर पर हरियाणा न्यूज के कैमरे पर सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, तमाम जो मंत्री हैं, चाहे फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हो, या फिर बड़कल के विधायक सीमा त्रिखा हो, या फिर मूलचंद शर्मा, सबसे अपील की है कि सरकार इस और कुछ करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग मानेंगे, पर सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, या कोई मुआवजा, या फिर कोई ऐसी कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं सरकार को बना के रखनी होगी, जो कि कहीं और फ्लैट देने की कहीं ना कहीं योजना सरकार को कहीं ना कहीं करके रखनी होगी। तो साफ तौर पर जो लोग हैं लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोशित है। पूरे जो फोर्स है, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरे गांव को कहीं ना कहीं, नंदनी मैम, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 10,000 मकान यहां पर हैं, और काफी बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यहां पर रहने वाली होगी, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, और 10,000 मकान एक साथ कहीं ना कहीं तोड़े जाएंगे, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी चाहे नगर निगम की बात करें, देखिए जो लोग यहां पर रह रहे हैं, जो गरीब लोग यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने पहाड़ी को काटकर जो है मकान नहीं बनाए हैं, इस पहाड़ी को काटा है भू माफियाओं ने, और अभी भी अरावली के कई स्थानों पर पहाड़ी को काटकर जो है फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं और इलीगल खनन पहाड़ी का हो रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन इन गांव वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी राजा, बहुत ज्यादा जरूरी है, कई सरकारी अभियान है कि हर एक के पास आवास होना चाहिए, हर एक के पास मकान होना चाहिए, लेकिन यहां पर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी तो वो लोग बेघर हो जाएंगे, तो सरकार को इन्हें मकान देना चाहिए, इस पर सरकार का रिएक्शन क्या है? और बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर जो लोग हैं उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई है, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मुलाकात करने की कोशिश की है, उनके निवास पर भी गए हैं, उनके ऑफिस पर भी गए हैं, पर वो साफ तौर पर लोगों से कहीं ना कहीं नहीं मिले। चाहे बड़कल की विधायिका सीमा त्रिखा की बात करो, लोग लगातार जो स्थानीय नेता है, चाहे मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, वहां पर जाके मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई नेता मिलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर लोग कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट के टाइम पर यहां पर लोग जो नेता है जरूर आते हैं, इलेक्शन के टाइम पर साफ तौर पर वाहवाही लूटते हैं, कहीं ना कहीं वादे करते हैं, पर जिस तरीके से बीजेपी का नारा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं खुद पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोशित है। लोग साफ तौर पर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से यही अपील कर रहे हैं कि कोई सरकारी योजना इन लोगों पर लागू की जाए, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से यहां से बिजली कट है, पानी कट है, यानी कि लोग वहां पर अंधेरे में रहने मजबूर है, इतनी ज्यादा गर्मी है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो वहां पर मोमबत्ती के सहारे कहीं ना कहीं रहते हैं, रात को वहां पर बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी यानी मूलभूत सुविधाएं हटा दी गई गांव से और आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि पूरे गांव को खत्म कर दिया जाए, और नेता है कि इन गांव वाले से मिलने तक को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर गांव वालों की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हम देख रहे थे, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। जी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मुझे बताइए। हमारे साथ खोरी गांव के निवासी रामनाथ जुड़े हैं, एक बार मैं उनसे बात करना चाहूंगी। रामनाथ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी
आपके गांव को तोड़ने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि गांव को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए अरावली वन से। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल गांव वालों पर वाकई ये मुश्किल भरी घड़ी है, लेकिन क्या आपको कोई उम्मीद है कि आपका गांव बच सकता है, या क्या गुहार आप सरकार से लगाना चाहेंगे? मैं सरकार से या वन विभाग से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मतलब आज यहां पे 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से लोग यहां रह रहे हैं, तो उस समय प्रशासन या कोर्ट कहां थी? उस समय प्रशासन मरी हुई थी, आज जिंदा हो गया। यहाँ लमसम लाखों के जनसंख्या में लोग हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब रेखा से लोग हैं, क्या करेगा, लोग कहाँ जाएगा जी? अगर आप तो ठीक कर दिया है कि इनको खाली करो, तो पहले खाली करने से पहले उनको पूर्ण बात का जो व्यवस्था की जाए जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि जो लोग हैं इस गांव के और जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार मदद करे, तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह की मदद आप तक पहुंचेगी? पर कोई मतलब जो मदद की आग्रह नहीं आई है ना, मदद की मतलब कोई नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई जबरदस्ती सरकार इनको तोड़ना चाहती है। अगर सरकार तोड़ना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होमेक्स बना हुआ है, डीएलएफ का बना हुआ है, ये कॉलेज बना हुआ है, सारे अरावली में है, तो क्या वो अवैध नहीं है? एक मैं जुग्गी वाले अवैध हो गया गरीब रेखा में, इनके इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बसे पड़े अरावली में, लाखों हजारों मतलब जो अवैध है बसे पड़े हैं, वो अवैध नहीं है? हमारे गरीब खोड़ी गांव में ही मतलब अवैध हो गई है, यही एक अरावली, और अरावली नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में अरावली में आती है पूरे, तो क्या वो मतलब वैध हो गए? और हमारे खोड़ी गाँव में सवाल लाजमी है, आपके सवाल लाजमी है। रामनाथ जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपके गांव के लिए मुश्किल भरी घड़ी है ये, और राजा आप भी वहां पर पहुंचे और यथास्थिति हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुश्किल भरी घड़ी है खोरी गांव के लिए, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स भी गांव में पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त इन मकानों को तोड़ा जा सकता है। तो यहां पर सवाल बस यही खड़ा होता है कि इन गांव वालों को बेघर ना किया जाए। अगर अरावली की सुरक्षा के लिए गांव खत्म हो रहा है तो